नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने बीते 25 अक्टूबर को अपना 68वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उन्होंने मुंबई के एक रेस्टोरेंट में पार्टी होस्ट की, जिसमें उनके पति महेश भट्ट, बेची आलिया भट्ट और दामाद रणबीर कपूर भी शामिल हुए। इस पार्टी से बाहर निकलते वक्त जब रणबीर और आलिया को पेपरोजी ने घेरा तो रणबीर पेप्स पर चिल्ला पड़े। उन्होंने एक फोटोग्राफर का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ खींच लिया। सोनी की इस पार्टी से सभी मेहमान एक एक करके बाहर निकले। रणबीर इन सभी को कार तक ड्रॉप करने आए। पहले उन्होंने ससुर महेश भट्ट को बाहर ड्रॉप किया और फिर अपनी मां नीतू को भी कार तक छोड़ने आए। मौके पर मौजूद ढेर सारे पेप्स को देखकर रणबीर पहले से काफी झल्ला रहे थे। इसी बीच जब वे आलिया के साथ निकले तो एक फोटोग्राफर उनकी कार और आलिया के बेहद नजदीक पहुंच गया। ऐसे में रणबीर ने पहले तो पेप्स पर चिल्लाया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और फिर एक फोटोग्राफर का हाथ खींच उसे अपनी कार के गेट से दूसरी तरफ धकेल दिया। इस इंसिडेंट का वीडियो वायरल होने के बाद जहां एक तरफ फैंस रणबीर का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कई यूजर उनके इस बिहेवियर के लिए ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो ऐसे मौके पर हर कोई करेगा, वेरी गुड। एक ने कहा, रणबीर बहुत ही रूड थे। वहीं एक ने कमेंट कर लिखा, इंडियन पेपरोजी के साथ इसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। कार के अंदर भी रणबीर काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, वहीं आलिया सहमी हुई दिखी। इस पूरे इंसिडेंट के दौरान आलिया चुपचाप रही। कई यूजर्स का कहना है कि आलिया का बिहेवियर हमेशा से कुछ था। एक फैन ने लिखा, रेस्टोरेंट में जाते समय एक्ट्रेस उदास लग रही थी। वे आमतौर पर पेप्स को देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखें नीचे रखी और कुछ नहीं कहा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के।